मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज कुमार सानू। टुडे वी विल लर्न अ वेरी न्यू टॉपिक, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन। टुडे वी विल लर्न डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ, दैट इज फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो हियर वी व्हाट विल वी डू, वी विल डिराइव द फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, दैट इज F for force, M for mass of the body, A for the acceleration acquired by the body. Force equals to mass into acceleration. So moving further, we have to prove force equals to ma. So we need an accelerated body. Suppose an object of mass m is moving along a straight line. मान लेते हैं एक कोई वस्तु है जिनका की मास m है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। नाउ लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, मान लेते हैं इनका जो शुरुआत का जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू है, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज वी, और इनका मान लेते हैं इनका जो फाइनल वेलोसिटी है वह क्या है, वी। अब ड्यूरिंग चेंजिंग द वेलोसिटी इट टेक्स द टाइम टी, लेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी इज टी। नाउ let the constant force is being applied on it be b b f, मान लेते हैं कोई एक constant force जिसके ऊपर apply हो रहा है वो हम मान लेते हैं that is f, so therefore initial momentum, as we know momentum, what is momentum, product of mass and velocity, तो शुरुआत का momentum क्या हो जाएगा इस moving body का, p1 here p is momentum, p denotes for momentum, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, हियर एफ एम इज द मास एंड यू इज द वेलोसिटी। नेक्स्ट देयरफॉर इट्स फाइनल मोमेंटम इज सिमिलरली एज वी डू इन फाइंडिंग द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम p2 इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। नाउ द चेंज इन मोमेंटम, हियर मोमेंटम इज चेंज, नाउ चेंज इन द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p2, हियर p2 इज mv, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर ओवर हियर mv, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1, हियर mu, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन ओवर हियर mu। नाउ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu, ऑल्सो next step what will be to change in momentum is directly proportional to m should be taken as common because m is present on both the side, m we have taken common, m common, idhar kya bach gaya v and idhar u। now the rate of change of momentum or the applied force, ab jis dar se momentum badal raha hai मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, कभी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, मोमेंटम जा रहा है, therefore फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाय टी। नाउ एज वी नो दैट वी माइनस यू बाय टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर एफ इक्वल्स टू के एम वी माइनस यू बाय टी। नाउ वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ v minus u by t is equals to a। Now as we know that if we want to eliminate the sign of proportionality, अगर हम proportionality का sign को हटाना चाहते हैं, then what we have to do? प्रोपोर्शनलिटी साइन इंटू इक्वल टू साइन, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू के साइन में बदलना पड़ेगा, एंड इन द राइट साइड साइमल्टेनियसली व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई सम कांस्टेंट आफ्टर चेंजिंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन इंटू इक्वल टू साइन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट ओवर हियर के, व्हेन के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, and in SI unit category value of k is 1, that's why we have put over here k equals to 1। now force equals to ma, hence proof v minus u equals to kya hota hai t, acceleration hota hai, hence proof। thank you।